आज का प्रातः क्लास है 2 जनवरी 1969। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है, यहां तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है कि ये बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और ये भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन और जाकर के पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो, उसका नाम ही रखा हुआ है सतोपधान, सत्तधाम, सत्तयुग, फिर सतो रजो तमो। अभी तुम समझते हो हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में है। बल तुम संगम पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो कि हमने इस कलयुगी दुनिया से किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो हम शिवालय से दूर नहीं है। शिव बाबा को याद नहीं करते हैं तो शिवालय से बहुत दूर है। बहुत दूर है तो बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं, तो बहुत दूर हो जाता है। और बाप तो बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, एक तो बार बार कहते हैं कि मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती है, इनसे बहुत संभाल के चलना होता है। ये भी बाबा ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग अलग है। योग अर्थात याद, और याद तो तुम खुली आंखों भी कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता है। ध्यान में जाते हैं तो न उसे योग कहेंगे न ज्ञान कहेंगे। भोग भी ले जाते हैं तो भोग में डायरेक्शन के अनुसार जाना है, क्योंकि इसमें माया भी बहुत है। माया ऐसी है जो एकदम दर बदर कर देती है, बड़ी पहलवान है, बहुत बलवान है। जैसे बाप बलवान है वैसे माया भी बलवान है, इतनी बलवान है कि सारी दुनिया को वैश्यालय में डाल दिया है। बहुत बच्चियां थी, भोग आदि लगाती थी, माया ऐसी है जो उन्हों को भी वैश्यालय में ढकेल दिया। इसलिए इसमें बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप के कायदे के अनुसार याद चाहिए, कायदे के विरुद्ध अगर कोई भी काम किया
तो माया एकदम गिरा देती है। और ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। समझो कि इच्छा मात्रम अविद्या, कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तो तुम्हारी सभी कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते, अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, कोई दूसरा रास्ता ले लिया, तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदली और ही नरक में गिर जावे। गायन भी है, गज को ग्राह ने खाया, बहुतों को ज्ञान देने वाली, भोग लगाने वाली आज नहीं है, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे फिर माया भी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते एकदम डेविल बन पड़ते। उनको बाप भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे देवता बनने वाले, देवता बनने का पुरुषार्थ करते थे, परंतु फिर असुर बन असुरों के साथ ही रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बन करके भी फिर माया की बन जाते, उनको ट्रेटर कहा जाता है। इसलिए इस ईश्वरीय मार्ग में बहुत खबरदारी चाहिए। अपने ऊपर खबरदारी रखनी होती है ना। अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो लंपट वैश्या बन जावेंगे और फिर पता भी नहीं पड़ेगा कि हम क्या बन गए। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है, आखिरी मत पर चलने से ही तुम्हारी ये बुरी गति हुई है, कहां न कहां उल्टे कदम पड़ जाते हैं, एकदम रसातल पहुंच जाते हैं। श्रीमत पर न चले, बेपरवाह बने तो पाताल में चले जाएंगे। कल भी बाबा ने समझाया था कि बहुत ऐसे गोप हैं जो आपस में कपेंट कमेटियां आदि बनाती हैं, और जो भी करते हैं श्रीमत के आधार बिगड़ करते रहते, तो डिस्टर्बेंस ही करते हैं। बिगर श्रीमत के करेंगे तो और ही गिरते जावेंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की ही बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिला है, वंदे मातरम भी माताएं ही गाई हुई हैं। अगर गोप लोग कमेटी आज बनाते हैं तो वंदे गोप का तो गायन नहीं है, श्रीमत पर नहीं माया की चाल पर फंस पड़ते हैं, परंतु ऐसे ला नहीं कहता है। बाबा ने भी माताओं की कमेटी बनाई थी, उनों को हमने सभी कुछ कर दिया, बच्चियां ट्रस्टवर्दी होती हैं,
मेल नहीं होते हैं। पुरुष अक्सर करके दिवाला मारते हैं। स्त्रियों के लिए कभी सुना कि फलाने स्त्री ने दिवाला मार दिया? तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी हैं। कन्याएं भी हैं, परंतु कन्याएं भी दिवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वो भी माया से हार खाकर दिवाला मार सकते। इसमें स्त्री पुरुष दोनों दिवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। उसमें सिर्फ पुरुष दिवाला मारते हैं। यहां तो देखो कितने हार खा करके चले गए, चले गए गोया दिवाला मार दिया। तो बाप बैठ समझाते हैं कि भारतवासियों ने ही दिवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ ही नहीं सकते कि हम क्या थे और कहां से कहां एकदम नीचे चले गए। 2 जनवरी 1969 की वाणी का दूसरा पेज। यहां भी ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चल पड़ते हैं तो दिवाला मार देते। अब फिर बताओ उनका क्या हाल होगा? वो तो दिवाला मारते हैं, 5-7 वर्ष बाद फिर खड़े हो जाते हैं। और यहां तो 84 जन्मों का दिवाला मार देते, फिर ऊंच पद तो पा नहीं सकते। ये क्या कहा? 84 जन्मों का दिवाला मार देते हैं, बना है 84 जन्म दिवाले मारते रहेंगे? नहीं, 84 जन्म लेने वाले सूर्यवंशी देवता होते हैं। अगर दिवाला मारते हैं छोड़कर चले जाते हैं तो समझो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। 83 जन्म लेंगे, 82 जन्म लेंगे, कम जन्म लेंगे, परंतु 84 जन्म का दिलावा दिवाला मारने वाले बन गए। और फिर दिवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास कोट हो तो दिखलाते हैं, तुम समझेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते कि कितना महारथी, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, दिवाले में है। यहां ऊंच पद तो बहुत हैं, फिर अगर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेंगे। माया पूरा ही हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है, अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में ही मिलकर के झरमुई झगमुई करना, फलाना ऐसा करता था अभी ऐसा करता है, सारा दिन यही करती रहती है। बाप से बुद्धियोग लगाना
जिसे सतो प्रधान बनना है वो बुद्धियोग ही टूट पड़ता है। बाप का बन करके फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। ऐसों का फिर कनेक्शन ही टूट पड़ता है। किसके साथ? बाप के साथ। अगर लिंक थोड़ा भी टूट जाए तो घबराना चाहिए। माया हमको इतना तंग क्यों करती है? कैसे भी कोशिश करके बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। नहीं तो तुम्हारी बैटरी कैसे चार्ज होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऊंचे चढ़ते चढ़ते फिर गिर पड़ते, तो एकदम भारी है के भारी बन जाते। और ऐसे भार रहने वाले भारी बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं। शुरू में कितने बेग में आकर के बाबा के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहां हैं? वैश्याल गिर पड़े, क्योंकि सामने पुरानी दुनिया आ गई। अगर बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग दिलाता हूं, अभी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है तो स्वर्ग से दिल लगाओ। इसमें मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़े ना। बुद्धियोग एक बाप के साथ होना चाहिए, पुरानी दुनिया से पूरा वैराग। अच्छा, पुरानी दुनिया से भूल जावे ये तो ठीक है, फिर भला याद किसको करें? शांति धाम को याद करें, सुख धाम को याद करें, जितना हो सके उठते बैठते चलते बाप को याद करो। बेहद के सुख को अर्थात स्वर्ग को याद करो। और ये बातें बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आज्ञाओं से उल्टा चलते हो तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ते। तुम यहां आए ही हो नरसिंह नारायण बनने के लिए। सभी को कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि हमारी सबकी रिटर्न जर्नी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, मन नरक से स्वर्ग है, फिर स्वर्ग से नरक। ये ऐसा चक्कर फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहां सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो, इसी याद में रहो कि हमने कितनी बारी चक्कर लगाया है। तो हम ऐसे सुदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर देवता बनते। और दुनिया में तो इस राज को कोई समझते नहीं है। इस ज्ञान को देवताओं को तो सुनना ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही पवित्र। उन देवताओं में ज्ञान है ही नहीं जो ये शंख बजा रहे हैं। पवित्र भी हैं
इसलिए उनको ये निशानी दे दी है। जैसे विष्णु को निशानी देते हैं शंख, वास्तव में उन देवताओं को ये निशानी देने की दरकार ही नहीं। ये मुख शंख है, तुम शंख बजाते हो तो सबको बाप का परिचय मिलता है। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी ये निशानी दे देते हैं क्योंकि तुम आज देवता बनते हो, कल फिर असुर बन जाते हो। ब्राह्मणों को माया नीचे गिराती रहती, बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बनाती है। तो बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था नीचे गिरी हुई है। कितने विचारे शिव बाबा के खजाने में जमा करके सभी कुछ, फिर सभी कुछ करके फिर असुर बन जाते। जब सभी कुछ जमा करा दिया तो गोया फिर शिव बाबा के बन गए ना, फिर असुर क्यों बनते हो? इसमें योग की यात्रा मुख्य है, योग से ही पवित्र बनना है। नालिज पर इतना जोर नहीं दिया जाता है जितना याद पर जोर दिया जाता है, पवित्रता पर जोर दिया जाता है। बुलाते भी हो बाबा आकर के हमको पावन बनाओ, ऐसे थोड़े ही कहते हो कि आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम स्वर्ग में जाते रहेंगे। पावन बनाओ तो हम स्वर्ग में जाएं। याद की यात्रा ही है पावन बन, ऊंच पद पाने के लिए। जो यहां आकर मर जाते हैं वो वैश्यालय में चले जाते हैं। फिर भी कुछ न कुछ सुना है तो वो शिवालय में आवेंगे जरूर। निरंतर क्या पड़ेगा, पद भ्रष्ट हो जाता है। चले जाते हैं तो प्रजावर्ग में गिर जाते हैं। तो शिवालय से वैश्यालय में गिरे तो पद भल कैसा भी पावे, परंतु आते तो जरूर हैं। एक बार याद किया तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद तो नहीं पावेंगे। स्वर्ग का नाम सुन करके खुश नहीं हो जाना चाहिए, फेल होकर के पाई पैसे का पद ले लेना इसमें खुश नहीं हो जाना चाहिए। बल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, उस ऊंच पद की अथवा नीचे पद की फीलिंग तो आती है ना। मैं नौकर हूं, मेहतर हूं, पिछाड़ी में तो तुमको सभी साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे, हमसे ऐसे क्या विकर्म हो गए जो हमारी ऐसी हालत बन पड़ी। मैं महारानी क्यों नहीं बनी, कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पद्मपति बन सकते हो।
खबरदारी नहीं तो पद्मपति नहीं बन सके। मंदिरों में देवताओं को पद्मपति की निशानी दिखाते हैं, तो इसका फर्क तो समझ सकते हो ना। 2 जनवरी 69 का तीसरा पीर दर्जा, ऊंच दर्जे में और नीचे दर्जे में बहुत फर्क है। अभी भी देखो इस दुनिया में कितने दर्जे हैं, कितना दबदबा है, और वो है तो अल्पकाल का सुख, और वहां स्वर्ग में तो सारी आयु भी राजाएं थे। अभी ये प्राइम मिनिस्टर कोई सारी आयु तो नहीं रह सकते हैं। उनका हेयर अपरेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो हकदार हो ही नहीं सकता। तो अभी बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना है जिसका पुरुषार्थ करने के लिए सभी हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ भी करना पड़े। हाथ उठाने वाले खुद भी खत्म हो जाते हैं, कहेंगे हम तो ये देवता बनते थे परंतु पुरुषार्थ करते करते हम वहां हो गए। अभी हाथ उठाना तो बहुत सहज है, औरों को समझाना भी सहज है, परंतु महारथी समझाते समझाते भी गायब हो जाते हैं, औरों का कल्याण करते करते खुद का कल्याण कर बैठते। इसलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख होकर के बाप को याद करो। इस प्रकार से याद करो, बाबा हमारा बाबा भी है, वो हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। अभी हम जा रहे हैं, पहले हम स्वीट होम में जाएंगे, तो ये सभी ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में तो ज्ञान और योग दोनों हैं, तो वो ज्ञान और योग तुम बच्चों में भी होना चाहिए। जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो वो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। तो ये ज्ञान और योग इकट्ठा चलता है, ऐसे नहीं कि योग में बैठ बाबा को याद करते रहे और नॉलेज बिल्कुल भूल जावे। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है, तो तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देखो और भी करेंगे। मैं नहीं पढ़ा तो और भी नहीं पढ़ेंगे, मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा ऐसे और भी दुर्गति को पावेंगे। ये क्या बात हुई है? ये क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सितारे में एक एक दुनिया बसी हुई है। तुम 9 लाख सितारे हो,
और दुनिया तो 500-700 करोड़ की है, एक एक बीज में कितने पत्ते होंगे? तो समझना चाहिए कि मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा, मेरे पीछे पीछे और भी दुर्गति को पाएंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा और हमको गिराने के। नाम तो अंतर बनने चाहिए। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महारथी हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। महारथी जो सेंटर संभालने वाले हैं उनके लिए बाप कहते हैं कि ऐसे ऐसे महारथियों को माया हप कर लेती है, मुरली भी नहीं पढ़ते। मिथ्या अहंकार आ जाता है, ऐसों के ऊपर माया झट वार कर देती है। तो कदम कदम पर श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ विकर्म बन जाते। बहुत बच्चे हैं जो भूलें करते हैं, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत करने से माया थप्पड़ लगा देती है, बर्थनाट्य पैनी बना देती है। अहंकार आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने थोड़े ही कहा है कि कमेटियां आदि बनाओ, कमेटी में एक दो फीमेल हेड जरूर होना चाहिए। दिमाग भी ऐसी कमजोर, जिस फीमेल की राय पर सारा काम हो। दिमाग भी ऐसी कमजोर होगी। कलश भी माताओं के ऊपर रखा जाता है ना, लक्ष्मी को कलश दिया ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी, फिर कहां यज्ञ में विघ्न डालने वाले घुस पड़ते, और ऐसे विघ्न डालने वाले अनेक हैं। सारा दिन उनकी बुद्धि में यही झरमुई जगमुई चलती रहती है, कमेटियां बनावे, ये बहुत खराब है। अगर कोई की बात है तो रिपोर्ट करो बाप। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। हाँ जी, एक ही बाप, बाकी सारी दुनिया में सुधार तो कोई भी नहीं सके। तुम अपने हाथ में ला क्यों उठाते हो? तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो। ऐसे जब चलेंगे तो ऐसे बन सकेंगे। कैसे? लक्ष्मी नारायण जैसा, नहीं तो माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ती है। अष्टदेवों को छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? है? उनको भी नहीं छोड़ती। आखिरी जन्म में उनको भी
ना कर गड़ाई देगी दूसरे धर्म में। तो सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए और बाप से डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो बच्चों को डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं मुरली से, ठीक है। हाँ मिलते हैं, बच्चे समझते हैं। बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझाई दिया कैसे हैं। बाबा तो अंतर्यामी है। अब बाप तो नहीं कहते मैं अंतर्यामी हूं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूं, इसमें अंतर्यामी की तो कोई बात ही नहीं है। हां ये तो जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, हरेक के अंदर आत्मा मेरे बच्चे हैं। मन क्या 500 करोड़ मेरे बच्चे हैं, कीड़े मकोड़े मेरे बच्चे हैं, पशु पक्षी जानवर मेरे बच्चे हैं, क्या आत्मा तो उनमें भी है? नहीं, जो आत्मिक स्थिति वाले हैं वो मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा बना बाप सभी में विराजमान है। मनुष्यों ने तो उल्टा समझ लिया। बाप कहते हैं मैं जानता हूं कि सभी के तत्व पर आत्मा विराजमान है, और ये तो कितनी सहज समझने की बात है। ये सभी चैतन्य अकाल तत्व हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो ये एक ही भूल है जिस कारण भारत गिरा है। इसमें गिरने की क्या बात है? सर्वव्यापी समझने से बुद्धियोग बिखर गया। बाप कहते हैं सर्वव्यापी समझकर तुमने मेरी बहुत ग्लानी की है, विश्व का मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। भगवान को सर्वव्यापी कह के कितनी ग्लानी की। इसलिए बाप कहते हैं कि जब जब धर्म की ऐसी ग्लानी होती है तो ये बाहर वाले विदेशी लोग फायदा उठा लेते हैं। उन्होंने भी सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से सीखा है, जैसे अभी भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, साइंस का हुनर उनसे सीखते हैं ना, वो फिर उल्टा सीखते हैं। भारत ही सभी की दुर्गति के निमित्त बना है, फिर जब बाप आते हैं तो भारत ही सबकी सदगति के निमित्त बनता है, और बाप भी यहां भारत में ही आते हैं, तो इस बात पर बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है। नॉलेज पर तो बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, विचार सागर मंथन करेंगे तभी तुम अपना कल्याण कर सकेगी। और इस पुरुषार्थ में कोई पैसे आदि की भी बात नहीं है।
ये विचार सागर मंथन करने में कोई भी भूख नहीं मर सकता। जितना जो जिसके पास है जमा करते हैं, परंतु फिर अहंकार में आकर कहते हैं हमको वापस दे दो। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि दे करके फिर वापस लेते हैं तो क्या बन जाते हैं? चांडाल बन जाते हैं। किसका मिसाल है? हरिश्चंद्र का मिसाल है। अब ऐसे हरिश्चंद्र कोई सत्युग में नहीं होते हैं, ये ऐसा यहां होता है। बाप ने समझाया है कि जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग आ जाता है, और वैराग माने सभी कुछ भूल जाना पड़ता है। सभी कुछ भूलना अर्थात अपने को डिटैच कर देना चाहिए शरीर से। शरीर से ही डिटैच हो गए तो देह के संबंधों से भी डिटैच हो जाएंगे, देह के पदार्थों से भी डिटैच हो जाएंगे। हम आत्मा जा रहे हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। छोटा सा रात्रि क्लास है, 3169 का। बच्चे जब सुनते हैं, सिमरण करते हैं तो नशा चढ़ जाता है। अगर सुमिरण नहीं करते हैं तो फिर सोडा वाटर हो जाता है, क्या नशा। उनके खून की रौनक ही सोडा वाटर हो जाती है। तो ऐसे बच्चों पर बाप को रहम भी बहुत पड़ता है, इसलिए रोज नशे का प्याला पिलाते रहते हैं। और नशा भी तो किस्म किस्म का होता है ना, ये है ईश्वरीय नशे का प्याला। नाम दिया है नारायणी नशा। अगर याद में रहे तो जरूर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, याद में नहीं रहते हैं तो ढीले पड़ जाते हैं। अर्थात रीढ़ बकरियां बन जाते हैं। रीढ़ बकरी बन जाते हैं कोई काम के नहीं है क्या? बकरी दूध नहीं देती है क्या? हैं? ऐसे कच्चे बन जाते हैं कि जो जो कुछ सुनाएगा सत वचन महाराज फट से विश्वास कर लेंगे। सबको डायरेक्टर बना लेते हैं। वंडर ये है कि ऊंच के ऊंच बाप को भी भूल जाते हैं। जो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, ऐसे बाप की हूबहू चलन की बातचीत वो करना ही भूल जाते हैं।
जैसे बाहर वालों से मिल जाते हैं। ये भी बच्चे समझते हैं कि हम बादशाही के दर पर हैं, बाबा घर में आया है तो जैसे कि बादशाही आ गई। इस बात में तो कोई शक नहीं है, इस बात में कि बाबा हमारे दर पर आया है, हमारे घर पर आया है तो जैसे हमारे लिए बादशाही लाया। अब मकान बनता है तब तक नशा रहता है, मकान फिनिशिंग होने पर चलेगा रहेगा तो फिर खुशी का पारा बहुत चढ़ेगा। यहां फिर समझते हैं कि बाबा के साथ तो हमको बहुत मजा है, प्याले के ऊपर प्याला मिलता रहता है और बाप पिलाते रहते हैं। बाप के साथ रहना स्वर्ग से भी जास्ती ऊंचा है, परंतु जिनके तकदीर में नहीं है तो फिर वो तदबीर क्या करेगी। बहुत बच्चों ने बॉक्सिंग नहीं देखी होगी, इसमें माया की बहुत बॉक्सिंग है। कोई कोई तो बॉक्सिंग में मर भी पड़ते हैं। अब तुम्हारी तो सभी बातें गुप्त हैं, तुम्हारा मरना तुम्हारा जीना सब गुप्त। जिनकी जास्ती याद छेड़ती है उनको तो बहुत खुशी होती होगी, क्योंकि कमाई बड़ी जबरदस्त है। इस याद की कमाई में कोई भी गफलत नहीं करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना बहुत फायदेमंद चीज है। जितना जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना ही तुम्हारी बुद्धि में अच्छे अच्छे पॉइंट्स आएंगे। और ऑटोमेटिक विचार सागर मंथन कब होगा? बाबा को याद, ये भी बात है। बाबा को याद करना भी एक सर्विस है। वायुमंडल शुद्ध होता है, अपने पाप कर्म भस्म होते हैं, हल्कापन आता है, खुशी के वाइब्रेशन बढ़ते हैं। तो सर्विस तो याद में समाई हुई है। और बाप भी कहते हैं जो बच्चे सर्विसेबल हैं वो मुझे बहुत याद आते। मैं किन बच्चों को याद करता हूं? सर्विसेबल बच्चों को याद करता हूं। तो जब बाप उन सबसे उन बच्चों को याद करते हैं तो जैसे कि उन बच्चों का बुद्धियोग ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। करके देखो, जितना जितना सेवा में औरों की सेवा में बिजी रहेंगे उतना उतना विचार सागर मंथन स्वतः ही चलता रहेगा। ये बहुत फायदेमंद चीज है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आते रहेंगे और फिर भाषण भी बहुत अच्छा कर सकेंगे। ये बड़ी लॉटरी है, परंतु गिरते हैं तो समझो कल्प कल्पांतर की लॉटरी चली गई। इसलिए कोई को गिरना नहीं चाहिए,
अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।